नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं गोहिल मित्तल और आप देख रहे हैं लोक सामना न्यूज। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण समाचार राजस्थान बाड़मेर से हमारे रिपोर्टर बेनू चौहान के साथ। बाड़मेर राजस्थान के हाथीतल्ला ग्राम पंचायत में जब लोक सामना न्यूज चैनल की रिपोर्टर बेनू चौहान कथा कवरेज करने पहुंची, तब लोगों ने बड़ी जोरों से आवाज उठाई कि हाथीतल्ला गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। वहां लड़कियों ने बताया कि गर्मियों में पंखे तक नहीं चलते और पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। टोल टैक्स के मैनेजर समाजवादी बाबू सिंह ने बताया कि हाथीतल्ला में 24 घंटे कंप्यूटर की जरूरत रहती है, पर प्रतिदिन मात्र 2 घंटे लाइट आती है। हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होता है, 15,000 का डीजल जलता है। और केसराम गोदरा समाज सेवी ने आज बताया कि किसानों को खेत में पानी नहीं मिलता है, फसल भी सूख जाती है, मात्र 2 घंटे बिजली आती है। आज भी हाथीतल्ला ग्राम पंचायत की महिलाएं कुएं से सींच के पानी निकालती हैं। आज भी रेगिस्तान के जहाज ऊंटों द्वारा गांव में पानी की सप्लाई होती है। बाबू सिंह टोल टैक्स के मैनेजर समाज सेवी ने बताया कि मात्र 2 घंटे बिजली आती है और दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली गुल रहती है। बाईस किलोमीटर जो गांव के लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, जैसे कोई यहाँ की गांव की लड़कियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, वो पढ़ने के लिए गाड़ियों से आना जाना कर रही है। छोटी सी बात है, वैसे जाती नहीं है, एक जनरल बात, आज की जनरेशन को देखते हुए लड़के हैं, जैसे शाही परिवार से हैं तो गाड़ी फोर व्हीलर का भी काम करते हैं आना जाना। उस बीच में आपके सरकार के क्या प्रोसेस है कि गांव का जो 20-25 ये बाड़मेर से शायद मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर की रेंज में ये गांव है हाथीतल्ला, तो ये जो टोल टैक्स है इसके क्या नियम है, मुझे थोड़ा बताएं कि यहाँ के लोग जो रहते हैं, जब डाउन करते हैं, उनके लिए टैक्स आप काटते हैं या नहीं, या गवर्नमेंट के क्या नियम है? नियम के हिसाब से तो क्या मतलब फ्री नहीं है कोई भी, और हमारे यहाँ तो लोकल जो की है डूबेगा है, जैसे आपकी तला है तो ये फ्री है। बाकी नियम के अनुसार अगर मतलब जो 15 किलोमीटर में है दायरे में आता है वो 300-350 रुपये का पास होता है, मतलब 350-350 रुपये मंथली पास होता है। एक महीने के लिए वो फ्री निकलते, कितनी बार आओ जाओ उससे कोई मतलब। मेरा एक प्रश्न और है कि यहाँ टोल टैक्स पे आए दिन एक्सीडेंट के चांस बने रहते हैं, तो उसमें यहाँ जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को बहुत ब्लड आ रहा है या घाव हो गया, तो यहाँ सरकार ने क्या सुविधाएं दे रखी है, एम्बुलेंस है या नहीं, पट्टी और यहाँ क्या कुछ आपके पास सामान है या डॉक्टर कंपाउंडर है पास में, या कैसे उनका इलाज करते हो, कैसे उनको वार्ड में तक पहुंचाते हो, यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बारे में मुझे आप बताएं। यहाँ एम्बुलेंस है और डॉक्टर है, एम्बुलेंस का ड्राइवर वगैरह सब यहीं रहते हैं 24 घंटे। अच्छा। और जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई बाई दुआई कहना मतलब उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि हाइड्रो वगैरह चाहिए तो वो हाइड्रो भी यहाँ रहता है, हाइड्रो भी है। अच्छा, तो यहाँ टोली की भी व्यवस्था है क्या, पट्टी वगैरह भी सरकार का सब सब गवर्नमेंट की तरफ से दे रखे हैं यहाँ पे नीचे पता है, मैं देखना चाहूँगी। मेडिकल एम्बुलेंस में ही होता है पूरा सेट, हाँ पूरा सेट एम्बुलेंस में रहता है, जहाँ कहीं भी कहने वाला हम नीचे नहीं रखते हैं, एम्बुलेंस में रखते हैं। अच्छा, ये जो सुविधा है एम्बुलेंस की दे रखी है जी, ये सरकार ने दे रखी है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, एम्बुलेंस का पे कौन करता है या कोई संस्था अन्य दे रहा है? एनएचए करती है। अच्छा, हाँ करती है, एनएचए की तरफ से लगे हुए मेंटेनेंस, इनका भी टेंडर होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि यहाँ जैसे कोई एडवोकेट रह रहा है, थोड़ी सी बात जैसे बात रह रहा है, या कोई यहाँ अधिकारी भी रहता है, चलो अधिकारियों के लिए तो शायद फ्री होता होगा, तो निजी जो गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं यहाँ के लोग,
दूरी से जैसे बाड़मेर को जाते हैं होते ही हर क्षेत्र में हर अधिकारी रहता है तो वो भी चिक टिक करते हैं या रूल्स के हिसाब से चलते हैं या उनका भी टेस्ट करता है वकीलों का है? नहीं ऐसा कोई अभी तक तो हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं है, ना एडवोकेट आए हैं या मतलब गांव में कोई अधिकारी ही नहीं रहते? नहीं अधिकारी कोई नहीं रहते, जो प्रिंसिपल वगैरह है वो अगर कोई गाड़ी लेके आते हैं तो हम जैसे कि सनावड़ा में लगे हुए हैं वो अप डाउन करते हैं, हमारी तरफ से फ्री है। अच्छा फ्री है तो उनका क्यों फ्री है? उनको बच्चों के मतलब शिक्षा के लिए मतलब हमें देखना है, वैसे अगर यहाँ पास नहीं है सनावड़ा कोई दूरी नहीं है इसलिए हम फ्री कर रहे हैं, छोटी कार में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए अच्छा फ्री नहीं है, मतलब रोज के मुताबिक कहना चाहिए रोज के हिसाब से फ्री नहीं है कोई भी गाड़ी। अच्छा एक बात बताओ यहाँ स्टाफ में कुल कितने लोग हैं और मैनेजर कौन है? मैनेजर तो मैं खुद ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह राठौड़ है। अच्छा कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, वैसे मेरा गांव बालोखर के पास है। कहाँ? चांदेसर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जैसे स्टाफ रहता है कुल कितना स्टाफ है और स्टाफ का जो खाना बनता है मैच जो है यहाँ पे तो खाना कौन बनाता है या मिलके बनाते हैं या कोई और बनाता है, कुक है या यहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो मिलके बनाते हैं? नहीं कुक है ना। अच्छा कुक है, खाना वही बनाते हैं। अच्छा वही बनाते हैं सभी के लिए, जो भी स्टाफ है बाकी लोकल स्टाफ है वो घर चला जाता है, जैसे ड्यूटी खत्म हुई वो घर चला जाता है। अच्छा एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ तो मुझे पता नहीं है, आए दिन सुनने में आता है कि जोधपुर वगैरह जाते हैं टोल टैक्स के आजकल लड़कियों को भी खड़ा कर रखा है और सुनने में आया रात को 12 बजे के बाद झगड़े भी होते हैं, लोग पीए पी के शराब पी के दंगे भी करते हैं, तो ऐसा माहौल यहाँ भी है क्या सर? नहीं ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। अच्छा। गाड़ी वाले कोई पी पी वाके आते हैं तो अगर मतलब थोड़ी बहुत वो बोलने में अगर मतलब वो करते हैं तो हमारे स्टाफ को बोल रहे हैं सहन शक्ति रखो, और जो भी आता है छोटी गाड़ी वो करते हैं मतलब 65 रुपए है यहाँ पे तो 60 रुपए के लिए अगर मतलब वो बहसबाजी कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक के बाद में नशा उतरता है तो निकल जाते हैं। आपको यहाँ कितने साल हो गए टोल टैक्स चलाते हैं और इस बीच में कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि आपको कभी महसूस हुआ हो कि डिस्टरबेंस या कि ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कभी ऐसे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आया हो तो आप बताएं हमें कि जैसे रात को कोई बड़े दंगे होते हैं कॉम्प्लेक्स के तो ऐसी यादगार भी आपके पास है कोई? नहीं हमारे मेरे जहाँ तक मैंने तो चला है ना वहाँ पे। लोक सामना न्यूज़ की रिपोर्टर बेनू चौहान को समाज सेवी बाबू सिंह ने बताया कि कंप्यूटर के बिना टोल टैक्स में काम नहीं चलता, 24 घंटे कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है, यहाँ तक सड़कों पर भी रोशनी गुल होती है और कई बार लोगों को शराबियों का भी सामना करना पड़ता है। करीब 200 लोगों ने बताया है हाथीतला में बिजली की और पानी की बहुत समस्या है लेकिन टोल टैक्स में तो हर दम कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो आप बताएंगे या फिर कंप्यूटर चलता है कि नहीं जब बिजली की समस्या है या नहीं, ये बताएं आप? बिजली की भयंकर समस्या है यहाँ पे, कम से कम 24 घंटे में समझो 15 से 16 घंटे कट जाती है, रात में भी कट जाती है 1 बजे तक आती है कभी करीब, और वैसे डीजी पे चलता है हमारा तो डीजल मेंटेन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ दिन में लाइटें यहाँ आती नहीं है तो करीब कितना डीजल जल जाता है और फिर क्या बेनिफिट सरकार को मिलते हैं जब डीजल रोज ही डीजल यूज हो रहा है आपका, लाइटें नहीं आती है तो कितना डीजल खत्म होता है और सरकार को लॉस हो रहा है या कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या माजरा है हमें डिटेल में बताएं? तो सरकार को कोई लॉस नहीं है तो कंपनी को ही लॉस है। अच्छा पर डे का समझ लो आप 15 से 20 हजार का डीजल जाता है। अच्छा 24 घंटे में अगर 15 से 16 घंटे की लाइट कट रही है तो फिर 15 से 16 हजार का डीजल तो फिक्स है।
हमेशा ही अब तो करीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद में लाइट आई नहीं कभी टाइम में। सुबह तो 6 बजे तक ही कट जाती है, रात को 1 बजे आती है, उसके बाद दिन में करने वाला करीबन मान लो आप 2 से 2.5 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है। वो भी एक बात बताइए, यहाँ जैसे कंप्यूटर मैन भी रखा रखा है, और कंप्यूटर से कैसे मतलब आपको बड़ी परेशानी नहीं होती है, जैसे दिक्कतें नहीं आती है लाइट बिना? कैमरा मैन चंद्रा के साथ बैनु चौहान, राजस्थान हेड बाढ़ में राजस्थान, और इंडिया रिपोर्टर दिल्ली। तो देखते रहिए लोक सामना न्यूज।